सबसे पहले आप सबको आज महाशिवरात्रि का दिन है, हमारी शुभकामनाएं। ये एक महत्वपूर्ण दिन पूरे देश के लिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के सामरिक संबंध हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण साझेदारी है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टनरशिप का और भारत अमेरिका के संबंधों के महत्व को समझती भी है और इसका समर्थन करती है, जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, अंतरिक्ष, कृषि और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी और सहयोग। हमारी ऐसी सोच है कि इस यात्रा का जो भी नतीजे हों वो सकारात्मक होने चाहिए, दिखने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक कामयाब दौरा रहा अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत के दृष्टिकोण से। अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी परछाई दोनों देशों के संबंधों पर है। अमेरिका ने भारत के साथ ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप के होते हुए भी GSP को ख़त्म कर दिया, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इससे भारत की में बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ के जो उत्पादन की और ख़ास तौर पे उन सेक्टर्स की जो लेबर इंटेंसिव हैं, उनको अमेरिका के बाज़ार में जो एक अवसर मिलता था जाने का कम टैरिफ पर, वो ख़त्म कर दिया। अमेरिका ने भारत को एक तरक्की नुमा देश, डेवलप्ड कंट्री घोषित कर दिया। इससे भारत उन देशों की पंक्ति में शामिल हो गया जिनके खिलाफ अमेरिका कभी भी काउंटरवेलिंग मेजर्स जो हैं ट्रेड पर, व्यापार पर लागू कर सकता। इसका ये शायद लोगों ने इसको सही रूप में समझा नहीं कि इसके मायने क्या हैं। साथ में जो भी अमेरिका के और चीन के संबंध अच्छे और बुरे जैसे भी रहते हैं, अमेरिका अगर कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं या चीन पर, तो भारत को उसके साथ जोड़ देते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत में आने से पहले ऐसी बात कही है कि बहुत प्रसन्न नहीं रहे जिस तरह से भारत के साथ उनके संबंध हैं। तो जो आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का और व्यापार का वातावरण अनुकूल नहीं है, हम सोचते हैं कि ये रिश्ता केवल खरीद फरोख्त का नहीं हो सकता। जाहिर है कि भारत, जैसा सरकार ने कहा है, एक बड़ा ऑर्डर हेलीकॉप्टर्स की खरीद का करेगा, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं। पर बुनियादी बात है कि जॉइंट रिसर्च होना चाहिए रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। जो नए सिस्टम्स हैं उसको दोनों देश इकट्ठा बनाए और जॉइंट प्रोडक्शन उसकी हो। और ये जो यात्रा है उसमें तीन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और राष्ट्रहित। और ऐसे दौरे में गंभीरता और गहराई देखनी चाहिए
ये केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी और पीआर एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और डोनाल्ड ट्रंप जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, मित्रता है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि 50 से 70 लाख लोग वहां पे स्वागत के लिए होंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है जो पब्लिक डोमेन में है, और इसलिए इस पे हमको कुछ कहना नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं जब इतने अच्छे संबंध हैं और इतना ऐसा अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है जो किसी राष्ट्राध्यक्ष का कभी भारत ने नहीं किया, इसलिए जो हमारे कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं देश के, पहला H-1B वीजास, उसका समाधान निकाल लें ताकि उसमें कोई कटौती ना हो। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री भारत को कहने के बाद जो एज डेवलपिंग कंट्री हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स को मिलता था उसमें भारी कटौती होगी। एक बहुत बड़ा फर्क है प्रगतिशील देशों में और तरक्की नुमा देश में जो डेवलप्ड कंट्री है। दूसरा, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ काम करते हैं और बड़ी तादाद में बरसों से, वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देते हैं जो बिलियंस डॉलर्स में जाती है, वो रिफंड नहीं मिलता। वीजा की मियाद इतनी होती है कि इससे पहले उनका रिफंड का दावा बने उनको वापस आना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री, अमेरिका बड़ा समृद्ध देश है, अमीर देश है, हमारे प्रोफेशनल्स का जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है उसको वापस करवा दें और GSP को रिस्टोर करा दें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई बड़ा अच्छा आउटकम भारत के लिए शायद ना हो। अहमदाबाद में बड़ी तैयारी है एक बड़े जश्न की, मोटेरा स्टेडियम में, जिसको आनन फानन उसको पूरा किया गया, लीपा पोछी की गई, सजाया गया, वास्तविकता को ढका गया, गरीब का अपमान हो रहा है, दीवार बनाकर उसको ढका जा रहा है, दीवार पर चित्र बनाए जा रहे हैं, सारा देश देख रहा है। ये सरकार की उनकी अपनी विचारधारा, उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, भारत की सरकार की और गुजरात की सरकार की। हमको इस पे एक चीज जरूर कहनी है, महात्मा गांधी के 150 साल भारतवर्ष बना रहा है। ये जो हो रहा है, महात्मा गांधी तो सादगी के प्रतीक थे, अहिंसा के पुजारी थे और दरिद्र को नारायण की, दरिद्र नारायण का सम्मान करते थे। ये उससे कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सामने प्रकट होता है। ये महात्मा गांधी का सम्मान करना नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े इसको जिम्मेवारी से कहूंगा, उनकी और सोच महात्मा गांधी की सादगी से और अहिंसा से कहीं मेल नहीं रखती। अगर इसके बाद कोई परिवर्तन हो जाए हम नहीं कह सकते, पर सरकार ने कल एक ऐसी बात कही है जो चौंकाने वाली है। अगर हमने सही सुना, भारत सरकार की तरफ से कल ये दावा किया गया है कि जितना ये सारा प्रबंधन हो रहा है वो एक नागरिक अभिनंदन समिति कर रही है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अहमदाबाद किसी नागरिक अभिनंदन समिति के निमंत्रण पर जा रहे हैं? ये समिति कौन सी है, कब बनी, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, पंजीकरण कब हुआ, इसके पास इतना पैसा कहां से? वास्तविकता ये है कि सब पैसा सरकार का है, भारत की सरकार का और गुजरात की सरकार का। और गुजरात की सरकार नहीं, जितनी भी वहां पर अप्रूवल्स हैं, जो भी मोटेरा स्टेडियम लिया गया है, जो
जो भी सारी की सारी रास्ते में जो पूरे भारत के 28 राज्यों के कलाकार आकर अपना हुनर का प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश से आ रहे हैं। तो ये तो कोई अभिनंदन समिति के तो बस के बाहर है, दो दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को खड़ा करते, वो नहीं है। तो वो सारे के सारे जो अप्रूवल्स हैं वो वहाँ की सरकार की हैं, वहाँ के प्रशासन की हैं, वहाँ की चाहे वो ज़िला का प्रशासन है, पुलिस का प्रशासन है। और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को विशेष ग्रांट भी दी गई है। हमको इस बातों पर आपत्ति नहीं है, पर सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप कर रहे हैं तो पूरा छाती ठोक कर मोदी जी को कहना चाहिए कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, मैं इतना बड़ा प्रबंध कर रहा हूँ, नमस्ते ट्रंप का। ये कोई रातों रात एक नकली काल्पनिक समिति बना दो, ये उचित नहीं है, पाखंड है। इसको इससे सरकार को परहेज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं था कुछ, इन्होंने ही कहा। और वास्तविकता ये है, देश में, हमारे देश में बहुत लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ 1-2 लाख आदमी इकट्ठा होना स्वाभाविक होता है। अभी तो अहमदाबाद की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। 1930 में, यानी कि आज से 90 साल पहले, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए निकले थे, तो अहमदाबाद की आबादी 75,000 थी। पर आसपास के इलाकों से लोग आए, महात्मा गांधी के साथ जो लोग चले उनको अगले स्थान तक छोड़ने के लिए, तो 1 लाख से ऊपर आदमी था। एक ऐतिहासिक संख्या है और तथ्य है, ये सिर्फ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी के 150 साल मना रहे हैं और अहमदाबाद का जिक्र है, दांडी यात्रा भी वहीं से शुरू हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपसे कह दूं। हमारी मालूमात में तैयारी के पीछे पूरी ताकत है, होनी भी चाहिए, पर कोटा फिक्स हुआ है हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का, हर स्कूल का, छात्र, अध्यापक और कर्मचारी 5 घंटे के लिए, 3 घंटे की पूरी यात्रा है, 5 घंटे तक स्कूल के बच्चों भी खड़े रहेंगे। अभी उनका दृष्टिकोण है, आंगनवाड़ी और आशा के सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, वो भी भारत के नागरिक। और हर ब्लॉक से 100 अध्यापक रहेंगे। इसके अलावा वहां 249 ब्लॉक हैं, जो मेरी जानकारी है, आप भी देख चेक कर सकते हैं इसको। वहां जो भी होर्डिंग्स लगे हैं वो कोई अभिनंदन समिति के नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप के, मेलानिया ट्रंप के और विजय रूपानी जी के हैं। मैंने इसको भी अभी पहले इसको कन्फर्म किया है आने से पहले, एक एक और चित्र प्रणब झा जी के पास हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, ये आपको बता देंगे, शेयर करेंगे। तो हम यही कहते हैं कि ये जो यात्रा है ये कोई वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव के प्रचार की एक कड़ी नहीं बनना चाहिए, इसके नतीजे राष्ट्रहित में होने चाहिए। और ये कहना कि ये कोई वहाँ पे गुजरात के और अहमदाबाद के लोग स्वयं कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, नहीं, सच नहीं है, क्योंकि वहाँ तमाम विपक्ष को, विपक्ष के नेता को और विधायकों को इससे बाहर रखा गया। ये भी मैंने इसका पुष्टिकरण स्वयं किया है, बात करके नेता प्रतिपक्ष और दूसरे विधायकों से आज सुबह। US President is Donald Trump is visiting India. It's a very important visit. India and the United States of America share a strategic partnership which embraces nuclear, defense, technological, agricultural, educational cooperation. The Indian National Congress values and supports India's strategic partnership with the United States, which this country has built over decades, including the Indo-US nuclear agreement and cooperation in defense and space sciences,
which was done during the UPA regime with Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister. Therefore, we support the continuity of the cooperation between the two countries in strategic spheres. In our view, this visit must have tangible outcomes. Then only it can be termed a success from the Indian perspective. There have been recent developments which have cast a shadow. These developments are negative from our perspective. United States of America and President Trump, they have withdrawn the GSP benefit to the Indian products, Indian produce and Indian exports. That's the general system of preferences. US has also, before the visit, declared India a developed country, thereby equating India with rich countries, including China, whereas China's per capita income is 5 times that of India, and their GDP is 5 times that of India. So India, with a per capita income of $2,000 per annum, cannot be declared a developed country, because as a developed country, the fallout should be known. And the fallout is that even for our IT professionals, H-1B visas, the number would drastically come down. Now, it is important that this visit reverses what has happened. It also exposes this developed country status, India, to United States countervailing measures. The trade environment is unfavorable. I would say that India's, America's partnership cannot be transactional. Only for India to be a purchaser of US defense equipment, as would happen even during this visit. While not opposed to that, the defense cooperation must include joint research, development, and production of weapon systems by India and America, and the transfer of technology for all such systems to the Republic of India. What Prime Minister and the government must keep in mind is India's sovereignty, India's self-respect, and India's national interest while conducting this visit. Because there have already been many arbitrary decisions which have affected our engagement with our other strategic partners, as the US sanctions on Russia or on Iran. We are a sovereign country, therefore we have the right to engage with our other partner countries on our terms, and that independence and space should be there. It's not that if a waiver is given to purchase some systems from Russia, equal amount must be spent by India to purchase systems from the United States. Each relationship should be independent. Each strategic partnership is independent of India's strategic partnership with another country. These are standalone relations. There should be gravitas, seriousness, and depth in this visit. We hope, given the special friendship between Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, this country will hear enhancement of H-1B visas, restoration of the GSP for India, general system of preferences,
GSP, which provides preferential market access for Indian produce to America, and also reversing the present decision and recognizing India as a developing country. An agreement on the refund of the social security contributions that are regularly being made by Indian IT professionals over the years, and they run into billions of dollars. These are outstanding issues. This visit should not be reduced to a photo opportunity or a PR exercise. That would devalue the importance of our partnership. That would also not be in India's national interest. We know that there is a big event that has been planned, festivities, and unprecedented arrangements. There's no precedent that we have extended this kind of welcome and celebration to any head of state. But the Prime Minister has his own characteristic way of celebrating special occasions, and it is his privilege, his government, and their thinking, and also the government of Gujarat, which is extending, and rightfully so, all support. Therefore, the government should not engage in any hypocrisy like yesterday's claim, when a question was put whether the opposition there in Gujarat will be also present or invited for the Motera Stadium extravaganza. The government said that there is a Nagarik Abhinandan Samiti, that is a citizen reception committee for Trump. Trump Nagarik Abhinandan Samiti, which is making these arrangements. There's no need for the government to tell untruths officially, because it's common knowledge and in public domain that President Trump himself has said that Prime Minister Modi, my friend, has promised me 7 million people in Ahmedabad when I come there. That's good. All the arrangements which have to be made, being made by the Gujarat government and the Gujarat Ahmedabad Municipal Corporation. The country is also observing and commemorating the 150th anniversary of Mahatma Gandhi. And the venue is Ahmedabad. And there would also be a visit to Sabarmati Ashram. Now, what is happening, particularly also the insult to the poor and this splurge at the cost of state exchequer, militates against the philosophy and value system of the father of the nation, Mahatma Gandhi. That I must say. And as I said earlier, 90 years ago, when Mahatma Gandhi started his walk, the Salt Satyagraha, the Dandi Yatra, in a city of 75,000, which included children, women, infirm, old, more than 100,000 had come just to walk with him and to see him off. So we are not at all looking at the numbers. This country has people, and maybe for the President of America, they're also a country which is very well populated, but this number only India can manage. But it is the government which is doing so, as all the hoardings are there, the arrangements, all the approvals, permissions, which are happening, and the quotas that have been given to universities, colleges, schools to bring in staff, teachers, students, school students, quota per block of 100 teachers. This, what we're saying, this is the government's way, how they want to mobilize the number. We are not getting into there. The reality is that it is not a spontaneous outpouring of the people of Gujarat
arrangements are being made because a promise given has to be honored, in which the Prime Minister, we wish him good luck. But this visit should not become an extension of the US presidential campaign for the Indian diaspora vote. We do not become active party in the elections in another country. This mistake was made in Texas at Howdy Modi event, and the Prime Minister ought to be careful. These are setting wrong precedents. We hope that there would be tangible outcomes on substantive issues, and we'll hear that in the joint declaration to be made by Prime Minister Modi and President Trump. Thank you. Any questions? I'll take. ना तो हम वो तो एक औपचारिकता होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति की तरफ से आता है। बाकी ऐसी कोई प्रस्तावना ना हमारे पास है ना हमारे तक पहुंची है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। सोनिया जी भी जब वो नहीं, ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है अभी तक, कोई ऐसा प्रस्ताव हमने तो नहीं कहा, मैंने तो स्वागत किया है। हमने तो कहा है कांग्रेस, व्हाट कांग्रेस आई हैव सेड शैल आई रिपीट दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेलकम्स एंड सपोर्ट्स द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट वी हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट द आउटकम्स, अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इट्स सॉवरेनिटी, इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। We receive heads of states and governments, but such a bonanza has never been there. It has never happened. But we are not opposed. It's whether this is in sync with the value system of Mahatma Gandhi, what will happen in Ahmedabad, that is for the Prime Minister and the government to see. Because it's Ahmedabad and Sabarmati Ashram, that is where you connect with Mahatma Gandhi and 150th anniversary of the father of the nation. This is a correct observation to make. This is not something which Congress party is manufacturing. Other thing that whether India should be looking at the outcomes, interest of its IT professionals, its industry, its exporters, to demand restoration of the GSP, that's market access for the Indian produce, and a preferential market access, which has been done away with by President Trump, is rightful on our part to demand. That's national interest. That should be restored. And India का जो भारत को प्राथमिकता थी GSP के तहत, हमारे यहाँ के जो कारखानों में बनी हुई चीज़ें और ख़ास तौर पे जो हमारे हथकरघा उद्योग की चीज़ें जाती थी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की, उनको थोड़ी जो फ़ायदा मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है और भारत को एक डेवलप्ड कंट्री कह दिया गया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि हम हैं नहीं अभी डेवलप्ड कंट्री। और साथ में हमारे जो H-1B वीज़ाज़ हैं हमारे IT सेक्टर के, वो कम हो जाएंगे एक डेवलप्ड कंट्री के नाते। ये जो भारत के हित की बात है वो भी होनी चाहिए, केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी, PR एक्सरसाइज, जश्न और हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं होना चाहिए, राष्ट्रहित भी सामने रहना चाहिए। जी, भारत को बराबरी के दर्जे से बात करनी चाहिए। हम एक बड़ा देश हैं,
अमेरिका भी एक बड़ा और शक्तिशाली देश है, भारत को बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता स्वीकार नहीं करना। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमसे मिलना चाहते हैं वो स्वयं संपर्क कर लेते हैं, उस पर हम अपना निर्णय कर लेते हैं। अभी कोई प्रस्तावना हमारे सामने नहीं है। ये वही है, मोटेरा स्टेडियम के माध्यम से क्या हो रहा है, ये कौन सा भारत के हित की बात हो रही है? वो वहां से राष्ट्रपति घोषणा करके जाएंगे कि जीएसपी रिस्टोर कर दिया, H-1B वीजा रिस्टोर कर दिए, सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत के प्रोफेशनल की हम वापस कर देंगे। भारत का हित तो वहीं पे है ना, भारत का हित और कहाँ है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, पर मोटेरा की जो बड़ा जश्न है उसकी सीधी तस्वीरें तो जाएंगी, वो तो जाहिर है। तो मोदी जी तो वहीं कह आए थे टेक्सास में उनके प्रचार के लिए, अब की बार मैं बोलना नहीं चाहता, मोदी जी तो वहीं कह आए थे। भारत के प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा और भारत के हित को सामने रखते हुए इस यात्रा से सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके परिणाम सकारात्मक हो, भारत के हित के। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक एनी कमेंट। से पता लगता है कि कांग्रेस में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, पर कांग्रेस का क्या इसमें दृष्टिकोण है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी उसको तय करती है, और ये सारे निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेती है। आई डोंट सी दैट, आई डोंट सी, वी हैव अ प्रेसिडेंट, दिस इज अ डिसीजन ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। एज एंड व्हेन सच अ any revisit is there, we have a constitution, we have the Congress Working Committee. Well, the Chief Minister of Madhya Pradesh is a senior leader and he's very much within his right to question. The fact is that boastful claims on the part of any government are not desirable. Indian Army has done the country proud, and the past army chiefs have said that many strikes have been undertaken when national security demanded so. So we should not, as we have said earlier, I have said it in Parliament, this army belongs to India, it fights under the tricolour, is neither Modi's army or BJP government's army. What the army does, the nation salutes. It cannot be politically encashed. मुझे मालूम नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं ना मैंने कोई अध्यादेश देखा, ना मुझे अभी आपने बताया है। इस पे भोपाल में स्पष्टीकरण दे देंगे, वहीं पे सवाल होना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास जानकारी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप शुड नो नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, you should like both. Thank you. पहले वो सब कुछ मिल जाए लोगों को, फिर इस पे चर्चा करेंगे।